सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अभी जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो, समाधान हो, प्रश्न हो, जरूर पूछे। तुलसी के पत्ते खाए तो चलेंगे? चलेगा, लेकिन तुलसी के पत्ते का ध्यान ये रखिए कि दांत से चबाना नहीं कभी भी, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पारा होता है। दांत से चबाएंगे तो दांत कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए तुलसी के पत्ते खाना है तो चूसते रहिए और थोड़ी देर चूसते चूसते उसको निकल जाए, अंदर जाने दीजिए। और नहीं तो तुलसी का रस पत्ते का सबसे अच्छा। केले में कापूर कितना डालें? केले में कापूर बहुत मामूली, एक कापूर जिसको आप पूजा में उपयोग करते हैं उसके चार पांच हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा एक केले, बहुत मामूली बारीक एकदम। बंदरा वाली इसकी छोकरी है जी, दिखता नहीं, दिखता नहीं जन्म से? हाँ, तो आप मुझे कल उसको दिखाइए। कहाँ है? तो मेरा फोन नंबर और पता उनको दे दीजिए, वो मुझे संपर्क करें, एक बार मैं देख लूं तो फिर बता सकता हूं। और कोई प्रश्न पूछूं? जी, ध्यान नहीं रहता है। हाँ, जिनको भी बच्चों को ये शिकायत है, अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि रात में बिस्तर में लघवी कर देते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है खारिक। खारिक देखा? खजूर, खजूर को दूध में डालिए, एक गिलास दूध में तीन चार खजूर डालिए, इसको उबालिए, दूध को उबाल के ठंडा करिए, फिर बच्चों को कहिए कि वो जो खजूर है उसको चबा के खाएं और उसी दूध को पी लें रात को सोते समय। तो अगर 15-20 दिन सतत आपने कर दिया तो बच्चों को लघवी रात में होना बंद हो जाएगा, बिस्तर पे होना बंद हो जाएगा। जी, दोनों में से जो मिले, खजूर मिले तो खजूर खाइए, खारिक मिले तो खारिक खाइए, और खजूर और खारिक ना मिले तो छुआरा, छुआरा समझते सूखा हुआ बाजार में आता है ना, किशमिश के जैसा छुआरा सूखा हुआ आता है, खारिक बोलते हैं, ठीक है तो वो ले लीजिए। और कोई प्रश्न पूछे? नाक से, जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी दो औषधि है, एक मैं पहले बता चुका हूं कि उनको दही में चूना मिला के खिलाइए, रोज 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाए। दूसरी उनकी औषधि है कि गाय का तूप रात को नाक में डालिए सोते समय, एक एक थेम दोनों नाक में, तो 3 दिन के बाद ही पानी जाना बंद हो जाए गाय का तूप। सर्दी बहुत होती है, छींक बहुत आती है, नाक से पानी निकलता है, ऐसे किसी भी मरीज को एक एक टेम गाय का तूप रात को सोते समय नाक में डाल दीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी और नाक से पानी निकलना, छींक आना, सर्दी ये सब बंद हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक हिस्सा है जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचती, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की, किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचती, लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वो मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, हर हिस्से तक पहुंच जाता है, ये अद्भुत है। इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाय के तूप में जो मस्तिष्क के उस हिस्से तक भी पहुंच जाता है जहां तक कोई औषधि नहीं पहुंचती, ये गाय के तूप में है। इसलिए मस्तिष्क की गंभीर से गंभीर कोई बीमारी हो उसमें गोल का गाय का तूप सबसे अच्छा है, रात को नाक में डाल दीजिए एक एक थेम, वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता, बहुत अच्छे परिणाम देता है। आपको जिस आंख से नहीं दिखता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक एक थेम डालिए, 3-4 महीने सतत डालिए, फिर मुझे बताइए। और कोई प्रश्न? जी, खर्राटे, हाँ यस, जो रात को सोते समय बहुत खर्राटे भरते हैं उनकी भी यही औषध है,
कि उनको गाय का टू पैकेज थे नाक में के बाद खर्राटे बंद हो जाते। एक ही दिन लगेगा, दूसरे दिन से खर्राटे आएंगे ही नहीं। जिनको पैरालिसिस का झटका आया हुआ है, शरीर के किस अंग में आया है वो देखिए, लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट में अगर पैरालिसिस का झटका है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल बाई नाक में, दाबे बाजू की नाक में गाय का टूप डालिए। राइट में है तो लेफ्ट में डालिए, लेफ्ट में है तो राइट में डालिए। 3-4 महीने सतत टूप डालिए।